दोस्तों, आपने कभी ना कभी ताश जरूर खेला होगा। ताश खेलने के अलावा आपने ऐसे लोगों को भी जरूर देखा होगा जो कि ताश के पत्तों से जादू दिखाते हैं। तो आज हम यही जानेंगे कि फैक्ट्री में ताश कैसे बनाए जाते हैं। ताश बनाने की शुरुआत होती है यहाँ से, जहाँ की फैक्ट्रियों में पेपर मिल से पेपर के बड़े बड़े रोल को मंगा लिया जाता है। अगर आप देखना चाहते हैं कि कागज कैसे बनता है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां जाकर वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। अब इन रोलरों के कागजों के ऊपर एक और कागज को काले रंग के गोंद से चिपका लिया जाता है। इससे ताश के आर पार दिखना बिल्कुल नामुमकिन हो जाता है और ये कार्ड्स मजबूत भी बन जाते हैं। अब ताश को बनाने के लिए जितनी लंबाई और चौड़ाई में पेपर की सीट चाहिए होती है, उसके लिए इन रोलरों को कटिंग मशीन में डालकर पेपर के सीट बना लिए जाते हैं। अब एक क्वालिटी इंस्पेक्टर इसके सीट की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई को नाप लेता है। तो अब चलते हैं दूसरी तरफ, जहां पर ग्राफिक डिजाइनर कार्ड को डिजाइन कर रहे हैं कि कार्ड दिखने में कैसा होगा। ये लोग हर एक छोटी से छोटी डिटेल पर ध्यान देते हैं। तो अब फाइनली डिजाइन तैयार हो चुका है। तो अब बारी आती है प्रिंटिंग की। ये प्रिंटर काफ़ी बड़े होते हैं, इसलिए इन प्रिंटरों में बहुत सारे इंक को डाला जाता है। अब इन पेपर्स को प्रिंटर के अंदर डाला जाता है, जहां ये एक एक करके 52 पत्तों को प्रिंट कर देता है। जब इसके पहले तरफ छपाई हो जाती है तो इसके बाद इसे पलटकर इसकी दूसरी ओर की प्रिंटिंग की जाती है, जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत लगती है और यही ताश की पहचान होती है। उसके बाद चेकिंग इंस्पेक्टर कार्ड को अच्छे से प्रिंटिंग को चेक करता है। तो अब सारा कार्ड प्रिंट हो चुका है, अब इसे कटिंग मशीन में डाल देते हैं, जहाँ पर यह मशीन इसे ताश के पत्तों के आकार में काट देती है। और इसकी 52 पत्तों की गड्डी बना देती है। उसके बाद अब इन कार्ड को पॉलीथीन से रैप कर दिया जाता है, ताकि कार्ड इधर उधर नहीं बिखरे। अब इन ताश के पत्तों को बॉक्स में पैक कर दिया जाता है। तो ऐसे तैयार हो जाती है डेक ऑफ कार्ड्स, मतलब ताश के पत्ते। दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा आपने कभी ताश खेला है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर कर दें। और ऐसे ही वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें। अब आपकी स्क्रीन पर दो वीडियो और दिख रही होगी, दोनों वीडियो बहुत अच्छी है, वीडियो पर क्लिक करके वीडियो को जरूर देख लें।